या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। आदिल खान हैं इंडिया कोरबा से, कहते हैं कि जो लोग एक्टर या मूवी देखने के एक्टर्स को मूवी देखने के बाद भी मुसलमान समझते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, जबकि एक्टर्स का कुफ्र जो है वो खुला होता है। यानी जो मूवी वगैरह देखने के बाद भी एक्टर्स को, यानी मूवियों में एक्टर्स की एक्टिंग या उनके हालात देखते हुए कि उनका कुफ्र लोगों पर जाहिर होता है, उसके बावजूद भी वो अगर एक्टर्स को मुसलमान समझते हैं या उनको फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या अहकाम है। असल में हर एक्टर का कुफ्र जाहिर नहीं होता, हाँ बाज़ एक्टर्स का कुफ्र जो है वो जाहिर होता है, तो इसलिए तमाम एक्टर्स के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो गुनाह कबीरा अगर करते हैं तो वो काफिर भी हैं। और फिर अगर किसी का कुफ्र जो है वो जाहिर होता भी है तो जाहिर है कि वो चुनिंदा ऐसे एक्टर हैं कि जिनके बारे में ये मशहूर है जिनका कुफ्र जो है वो जाहिर है, लेकिन हर एक्टर्स जो मुसलमान है उसका कुफ्र जाहिर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि लोगों का किसी एक्टर्स को फॉलो करना जो होता है वो उनके कुफ्र की बिना पर फॉलो करना नहीं होता, और उनके सिर्फ एक्टिंग वगैरह की बिना पर या उनकी पर्सनैलिटी की बिना पर उनको फॉलो करना होता है। तो इस एतबार से फॉलो करने वाले या उनको पसंद करने वालों पर कुफ्र का हुक्म इस एतबार से नहीं आ सकता कि वो उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि बाज़ सूरत ऐसी होती है कि वो, यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी एक्टर की एक्टिंग को पसंद तो करते हैं लेकिन उसके कुफ्रिया काम को पसंद नहीं करते। यानी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है मुसलमानों की कि जो शिर्क और कुफ्र को पसंद नहीं करते, वो उसे गलत ही समझते हैं लेकिन किसी की एक्टिंग को अच्छा समझते हैं, तो किसी की कॉमेडी को या किसी के डांस को अच्छा समझते हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा समझ रहे होते हैं, उसके कुफ्र को अच्छा नहीं समझ रहे होते। तो ऐसी सूरत में भी वो शख्स अगर किसी को फॉलो करते हैं तो जाहिर है कि वो काफिर नहीं होंगे। अलबत्ता गुनाह ज़रूर है कि गुनाह के कामों को पसंद करना ही उसको फॉलो करने वाली बात है। अब रहा यह कि उनको मुसलमान समझना, तो जिनका कुफ्र बिल्कुल ज़ाहिर है या जिनका शिर्क बिल्कुल ज़ाहिर है, और अगर कोई शख्स उस काम को कुफ्र या शिर्क नहीं जानता या उसको बुरा नहीं जानता, यानी वो समझता है कि ठीक है कोई इसमें बुराई नहीं है, करता है उसकी मर्ज़ी है तब भी मुसलमान रहेगा, तो अगर कोई शख्स कुफ्र से राज़ी हो, शिर्क से राज़ी हो, उसके काम को यानी कुफ्र और शिर्क के काम को भी गलत और बुरा ना जाने, इस एतबार से उस शख्स पे भी कुफ्र का हुक्म आ सकता है, लेकिन सिर्फ फॉलो करने के एतबार से नहीं आ सकता। अलबत्ता इतना भी नहीं कि हर एक्टर को फॉलो करने के एतबार से कुफ्र का हुक्म हो, क्योंकि हर एक्टर का कुफ्र जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। तो शिर्क को पसंद करना या कुफ्र को पसंद करना, वो भी किसी भी एतबार से हो, चाहे वो एक्टिंग की सूरत में हो, यानी या फिर ये ज़ाती अपने लाइफ में हो, ये रिलेशन में हो, या हीरो हीरोइन के ज़रिए से हो, अगर वो बंदा उस पर एग्री करता है, या फिर ये कि बहुत कुफ्र को हल्का जानता है या समझता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ख़राबी नहीं है, या फिर उसको अच्छा समझता है, तो इस एतबार से वो शख्स पर कुफ्र का हुक्म आ सकता है। अलबत्ता फ़कत इतना कि एक्टर को पसंद करता है, फॉलो करता है और उस पर कुफ्र एक्टर का ज़ाहिर है, तो सिर्फ उसके कुफ्र ज़ाहिर होने से हर फॉलोअर उसका काफिर नहीं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।